सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि सोना रोड के फेज़ वन पे कितना कुछ काम करना रह गया है NHAI को। जी, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप गुड़गांव और उसके आसपास रहते हैं या फिर सोना में रहते हैं तो आपको ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। आधा तो इसका हिस्सा बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और आधे हिस्से पे काम किया जा रहा है और आज यही आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पहली बार। जी, अंडरपास का भी काम दिखाऊंगा, एलिवेटेड पार्ट का भी काम दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। जम के बारिश हुई है गुड़गांव में और सच में गर्मी से राहत ही मिल गया भाई। ये सोना रोड और इस पर मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसका सबसे लंबा, उस पर काम किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट इसका जो काम है वो कंप्लीट होने को है और जुलाई के महीने से आप इसके ऊपर ड्राइव भी कर सकते हैं। जी हाँ, वैसे इसका बताऊँ तो 21 किलोमीटर का ये पूरा हिस्सा है, आधा पार्ट इसका बनकर तैयार हो चुका है और उस पर हम और आप ड्राइव कर भी सकते हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। 10 लेन का पूरा ये रोड है जिसे कि सोना रोड कहा जाता है, जिसे कि आप NH 248A भी कह सकते हैं। इसी रोड के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। इस तरफ जिधर मैं अभी जा रहा हूँ इसी तरफ है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जिसे कि NH 8 भी कहते हैं। और राजीव चौक गुड़गांव में ये कनेक्ट होगा और सोना सेक्टर 1 में जाकर ये ख़त्म होता है। तो सोना सेक्टर 1 से लेकर राजीव चौक तक आपको कनेक्ट करेगा। सोना और गुड़गांव दोनों सिटी को आपस में ये कनेक्ट करेगा और साथ ही साथ दो एक्सप्रेसवे को भी आपस में कनेक्ट करेगा, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। और इसीलिए ये जो रोड है सोना रोड, ये बहुत ही अहम हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैराफिट वॉल का भी काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट ये पूरी तरीके से लगा दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ तो ये जो स्ट्रीट लाइट है ये रात के वक्त पूरी तरीके से फंक्शनल है। अभी जबकि काम इस पर चल रहा है लेकिन फिर भी टीम इसके ऊपर रात को काम करती है और इस स्ट्रीट लाइट की मदद से उनको काम करने में बड़ी आसानी होती है। ऑलमोस्ट 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है इसे स्टार्ट होने में और इसी वजह से जैसे जैसे आप और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि इस पर जो काम है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अब इस पर लेन मार्किंग का काम किया जा रहा है। ये जो एलिवेटेड पार्ट है यानी कि ये जो फ्लाईओवर है ये 6 लेन का है, 3 लेन ईस्ट साइड आपको ड्राइव करने के लिए मिलेगा और 2 लेन का इसके नीचे सर्विस रोड है। सर्विस रोड दिया गया है आसपास के ट्रैफिक के लिए और जो एक्सप्रेस लेन है ये दिया गया है ताकि आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिनटों में कनेक्ट कर जाए बिना किसी स्लोडाउन के, बिना किसी झंझट के। और इसी वजह से ये एक्सप्रेस लेन बनाया गया है और पूरी तरीके से ये एक्सप्रेस लेन पे आपको और इस एक्सप्रेस लेन की मदद से आपका हमारा बहुत सारा टाइम सेव भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट जब लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था तो काम किया जा रहा था उस वक्त पे ब्लैक टॉप बनाने का। आज अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा काम इस पे हो चुका है। लास्ट टाइम यहाँ पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा था इस पॉइंट पे, आज देखोगे तो फ्लोरिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है, ब्लैक टॉप का भी काम हो चुका है। वाह भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ बीच का जो हिस्सा है यानी कि 100 मीटर का हिस्सा है जिसके ऊपर काम अभी किया जा रहा है, जो कि है वाटिका चौक के ठीक ऊपर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है यानी कि ये जो फ्लाईओवर है इसको पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है और पूरी तरीके से इस पे जो फ्लोरिंग का काम है या फिर ब्लैक टॉप का जो काम है वो यहाँ पर टीम द्वारा कर लिया गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ वाटिका चौक के ठीक ऊपर काम किया जाना है फ्लोरिंग का। वैसे मुझे लगा कि बारिश हुई है आज बहुत तेज़, तो लगा कि यार हो सकता है आज कंस्ट्रक्शन ना हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, काम अभी भी चल रहा है। और जैसे ही बारिश थोड़ी सी रुकी टीम यहाँ पर आपको मिल गई काम करते हुए। वैसे कहा जा रहा है कि इवनिंग में फिर से बारिश होगी लेकिन उससे पहले तो ये अच्छा खासा काम कर ही लेंगे। टीम देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फ्लोर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैट डाला जा रहा है वाटर प्रूफिंग के लिए और उसके बाद फिर इसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर देंगे और वो किया जाएगा मशीन की मदद से। जी हाँ, और उस मशीन की मदद से एक बार में ही 3 लेन बना लेते हैं।
वैसे मैं बताऊं, ये सोहना रोड जो कि बन चुका है, इसकी मदद से सोहना में इन्वेस्टर्स अब अच्छे खासे आपको देखेंगे। जी हाँ, और यकीन मानिए इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा टाइम यही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना भी नहीं है तो प्राइस और भी बढ़ेगा सोहना में। और इस वक्त पे अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे बिल्डर्स आपको अब दिख जाएंगे सोहना में। हर दिन पेपर में कोई ना कोई बिल्डर्स का आपको ऐड दिखेगा कि हम सोहना में ये ला रहे हैं, हम सोहना में ये ला रहे हैं। कि सोहना में ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है तो सोहना में IMT भी है, जहाँ पर कंपनियों ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन का, ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बनकर तैयार हो जाए। सरकार ने भी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया है, तो इसलिए सोहना का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होगा। गुड़गांव के आसपास सोहना एक ऐसी जगह है जहाँ पर रोड सबसे पहले आया है और बिल्डर्स बाद में आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि सोहना में इन्वेस्टमेंट करना, तो भाई इस दिए हुए नंबर पर कॉल करो और आप 50 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट बुक करा सकते हो। और एक और बात, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो साइट विजिट के लिए आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी जाएगी और भी बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और आप भी सोहना में इन्वेस्टमेंट कर ही दीजिए। चलिए मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ कि और कितना कुछ काम किया जा रहा है। देख रहा हूँ ये है वाटिका चौक, दूसरी तरफ मैं आ चुका हूँ और इस तरह का जो ये जो पार्ट है ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बस इसी पर काम किया जाना है। इस तरफ अगर आप चलोगे तो मैं आपको ड्राइव करके ही लेकर चलता हूँ और इससे क्या होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस तरफ वाटिका चौक को क्रॉस करने के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा, काम हो चुका है। तो चलो ड्राइव कर ही लेते हैं जब काम हो चुका है तो। याद कीजिए जब मैं आपसे कहा करता था कि एलिवेटेड पार्ट से आप नीचे आओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको स्लोडाउन मिलेगा, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल है, तो इसीलिए अंडरपास में जाने के लिए भी आपको कोई स्लोडाउन नहीं मिलेगा। चलिए अब आपको दिखाता हूँ अंडरपास का काम, कि अंडरपास में कितना कुछ काम हुआ है। अंडरपास के नीचे इस तरफ अगर आप देखेंगे सुभाष चौक से पहले, तो यहाँ पर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा था, आज देख लो मिट्टी निकालने का काम हो चुका है कम्प्लीट और हम और आप इस पर ड्राइव भी कर सकते हैं। अब इसके इस तरफ तो मैंने आपको दिखाया था कि मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा था, आज अगर आप देखोगे तो इस साइड भी मिट्टी निकालने का काम कंप्लीट हो चुका है और जो अंडरपास है उसमें अब आने वाले कुछ दिनों में हम और आप ड्राइव भी कर सकते हैं। जी कब कर सकते हैं? हम और आप तभी कर सकते हैं जब इसके ऊपर जो सेट दिया जाना है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पहली बार हमने और आपने अंडरपास में ड्राइव किया है। एलिवेटेड पार्ट बेसिक इस पे 6 लेन का बनाया गया हो, लेकिन ये जो अंडरपास है ये बनाया गया है 8 लेन का, 4 लेन ईस्ट साइड। जी हाँ, चलिए इस अंडरपास से ड्राइव करते हुए और भी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि और कहाँ तक जा सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में इसके सर्विस रोड है। अंडरपास से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हमें और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरफ लेन बनाने का जो काम है वो कर लिया गया है। तो चलिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, सोना में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।